नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी खबर। कुशीनगर से सुरेश चंद गांधी ब्यूरो संवाददाता की रिपोर्ट। कृत्रिम अंग पाकर झूमे दिव्यांगजन। कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील के स्थानीय ब्लॉक परिसर में सोमवार को कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां 90 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कुशीनगर की ओर से आयोजित शिविर में तहसील क्षेत्र के तीनों ब्लॉक हाटा, मोती चौक व शुक्रौली के चिन्हित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। कृत्रिम अंगों को पाकर दिव्यांगजन झूम उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव ने कहा कि हादसा किसी के साथ हो सकता है, इसलिए किसी को हीन भावना से न देखें। सरकार दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व पेंशन आदि की सुविधाएँ देकर समाज के हर वर्ग के चेहरे पर खुशी लाना चाहती है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनुरीता ने कहा कि दिव्यांगजन मुसीबत में दिल को अपने कमजोर न करें, खुद को इतना मजबूत बनाएं कि लोग प्रेरणा ले सकें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी वीडियो श्याम सुंदर तिवारी ने किया। इस दौरान भाजपा के टेकुआटार मंडल अध्यक्ष विनोद गुप्ता, वरिष्ठ सहायक शिवशंकर गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य शिशिर पांडे, आनंद पांडे, कमलेश चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश चौहान, सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मृत्युंजय मिश्र आदि उपस्थित रहे। घर चले जाए तो इसके पहले इस तरह की स्कीमें, इस तरह के कार्यक्रम कोई सरकार नहीं करती थी। पहली बार जो दिव्यांगजन का